Hello dear students, good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we start our new chapter algebra. तो ये वाले chapter में हमें unknown number से sum कैसे सीखते हैं वो हमें करना है. ये वाले chapter का main concept यही है कि अगर कोई unknown number है तो उससे हम कैसे known number जान सकते हैं और known number के आधार पे ही उसके बेसिक पे ही हमें आगे का जो सम है प्लस और माइनस का वो करना होता है. तो आज अलगेब्रा चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम अननोन नंबर को कैसे पहचाने. तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड विद क्वेश्चन नंबर 1. इफ एन इज इक्वल टू 3 देन 6 एन इज, तो यहाँ पे एन है वहाँ पे हमें क्या रखना है 3, और 6 और n के बीच में क्या रिलेशन है तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है. तो 6 3 18, तो इसका आंसर आएगा 18. फिर नेक्स्ट है, वन बॉक्स कंटेन 13 एप्पल, सो n सच बॉक्सिस विल कंटेन एप्पल्स. तो यहाँ पे एक बॉक्स जो है उसमें 30 एप्पल रहते हैं, तो n सच बॉक्सेस विल कंटेन एप्पल्स. तो यहाँ पे हमें n जो है वो अननोन है तो वो हमें पता नहीं है. अगर हमें पता होता कि कितने बॉक्सेस है, n बॉक्सेस मतलब अगर कोई हमें डिजिट दी गई होती तो हम मल्टीप्लिकेशन के साथ उसका आंसर जान सकते थे, लेकिन यहाँ पे n जो है वो अननोन है तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आएगा 30 n. ओके, फिर है नेक्स्ट, द रूल फॉर पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, पैरामीटर का रूल क्या है. तो पैरामीटर का हमें लिखना है पी और 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी. ओके, ये है पैरामीटर का रूल, ये भी लिख सकते हैं. और दूसरा, ये 2 जो है वो एल के साथ भी मल्टीप्लाई के रिलेशन में है और ब्रेथ के साथ भी मल्टीप्लाई के रिलेशन में है. ये दोनों आंसर आपके सही होंगे, आप जो भी लिखोगे वो. फिर है फोर्थ वन, तो फोर्थ वन है द रूल फॉर पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर का क्या रूल है, पी फॉर पैरामीटर एंड फॉर एल, फोर टाइम लेंथ. ओके, फिर है फिफ्थ वन, इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन इज एल देन द पैरामीटर ऑफ द पेंटागोन. हमें पेंटागोन की पेरीमीटर के लिए उसका फॉर्मूला क्या है 5 l. फिर है सिक्स्थ वन, इफ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज मीटर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजिस. ओके, तो यहाँ पे क्या है क्यूब, तो क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, क्यूब की होती हैं 6 साइड, लेकिन उसकी जो धार होती है मतलब उसकी जो किनारी होती है वो कितनी होती हैं 12. ओके, तो यहाँ पे एजिस यानी कि उसके कॉर्नर कितने होते हैं 12, 6 आगे की साइड और 6 पीछे की साइड. ओके, तो इसका आंसर आएगा 12 m. फिर है नेक्स्ट वन, y मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड. हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि y को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से हमें 1 को माइनस करना है, तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो उसका आंसर आएगा 2y-1. फिर है नेक्स्ट, 3x डिवाइडेड बाय 2 इज रिटन इन वर्ड एस, जो ये हमें यहाँ पे कंटेंट दिया गया है उसे हम कैसे लिख सकते हैं. तो अभी मैं ओनली बोल रही हूँ, आपको अच्छे से लिखना है. उसका आंसर आएगा 3 times x divided by 2. फिर है नाइन्थ नंबर की, इफ़ 2x-3 इज इक्वल टू 11 देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है 2x-3 इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे 2x को रखना है 11 के ये साइड, इक्वल के ये साइड 11 है, यहाँ पे -3 है तो इक्वल के ये साइड जाएंगे तो +3, 11 + 3 = 14. यहाँ पे x और 2 का रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, इक्वल के ये साइड जाएगा तो डिवीजन का, 2 7 = 14, तो x की क्या वैल्यू आई 7. फिर सेम,
ऐसे ये द सॉल्यूशन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। तो इसको हमें कैसे करना है, 5x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5x डिवाइडेड बाय 3 और 3 जो है यहाँ पे डिवीजन में है, ये सेट जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो 10 3 30। यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, ये सेट जाएगा तो डिवाइड के रिलेशन में आएगा, और 5 6 30। सो 10th का आंसर है x इज इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट है डैश इज द वेरिएबल इन द इक्वेशन ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि अननोन नंबर, तो इसमें अननोन नंबर क्या है, x, क्योंकि 3 भी वुल नंबर है, 4 भी वुल नंबर है एंड 10 भी वुल नंबर है, लेकिन वेरिएबल जिसको हम पहचानते नहीं है ऐसा कौन है अननोन नंबर, तो वो है x। फिर है नेक्स्ट फॉर द मैस्टिक पैटर्न z द मैस्ट, तो यहाँ पे मैस्टिक पैटर्न z ऐसे 6 टाइम है, द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज गिवन बाय डैश वेयर n इज द नंबर ऑफ z। यहाँ पे z है, इसको हम ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, n। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे एक n बनाने के लिए हमें कितनी वो मैस्टिक चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखनी है 3n। n का मतलब है मैस्टिक, मैस्टिक को हमें n के नाम से पहचानना है, तो हमें कितनी मैस्टिक चाहिए, 3। तो इसका आंसर आएगा 3n। सेम वे से ये इन द मैस्टिक पैटर्न t द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज गिवन बाय डैश वेयर n इज द नंबर ऑफ t। n का मतलब यहाँ पे भी मैस्टिक है, तो ऐसा t बनाने के लिए हमें कितनी मैस्टिक चाहिए, 2। तो आंसर आएगा 2n। फिर है लास्ट वन इन द मैस्टिक पैटर्न ट्राइंगल, ऐसे ऐसे डबल करके ट्राइंगल, एक ट्राइंगल सीधा है एक ट्राइंगल उल्टा है, सीधा उल्टा ऐसे करके यहाँ पे पैटर्न है, द नंबर ऑफ द मैस्टिक रिक्वायर्ड इज गिवन बाय डैश वेयर एन इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आपके पास एक तो बना हुआ ही है, तो इसके साथ एक इस तरह से एक बना हुआ ही है, तो हमें दूसरा बनाने के लिए फिर हमें कितनी चाहिए, दूसरा बनाने के लिए हमें एक और एक दो ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक साइड तो रेडी आई है, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2 और n का मतलब है मैस्टिक। फिर यहाँ पे +1, ये +1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो है वो रेडी है, बनाना हमें ट्राइंगल है लेकिन एक रेडी है, उसके जॉइंट करके ही हमें दूसरा बनाना है, तो यहाँ पे एक और ये दो, और ये +1 इसलिए क्योंकि एक जो है वो हमें रेडी मिली है, तो क्यों इसका आंसर आएगा 2n+1। फिर हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ एन इज इक्वल टू 2 देन 2n+1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं आपको एक डीपली समझा रही हूँ, 2n+1 इज इक्वल टू हाउ मैनी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको n की वैल्यू दी गई है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे आपको 2 रखना है, 2 2 ज़ा 4 एंड 4+1 इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर आएगा 5। फिर नेक्स्ट वन है इन द मैस्टिक पैटर्न f द नंबर ऑफ मैस्टिक इज गिवन बाय डैश वेयर n इज द नंबर ऑफ f। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक f बनाने के लिए हमें कितनी मैस्टिक चाहिए, तो 1 1 2 3 एंड यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4 और मैस्टिक के लिए हमें क्या लगाना है, n, और यहाँ पे तो ये वाले में हमें कितनी चाहिए, 4n। ओके, फिर थर्ड वन है वो सेम है जो आपको अपने हिसाब से खुद करनी है। फिर फोर्थ वन है
If there are 24 oranges in one basket, then there will be less oranges in such basket. तो जैसे मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि एप्पल वाले में कि अगर हमें बास्केट के नंबर दिए गए हैं तो हमें पता चले इसमें हमें बास्केट के नंबर नहीं दिए गए हैं. सो इसका आंसर आएगा 24 n. फिर है नेक्स्ट वन, द कम्युनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग वेरिएबल एस. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी मतलब कम्युनेटिव प्रॉपर्टी में प्लस होता है तो एडिशन ऑफ नंबर एडिशन है तो हमें एडिशन के साइन वाली जो प्रॉपर्टी दी गई है वही हमें लिखनी है, ए प्लस बी एन बी प्लस ए. फिर है सिक्स्थ वन, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन रिप्रेजेंटेड वॉज वेरिएबल. तो यहाँ पे क्या आएगा, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड नंबर, एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है तो यहाँ पे कौन सी आएगी, तो ये यहाँ पे आएगी ये ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, यहाँ पे ये वाली आएगी. ओके फिर है नेक्स्ट वन, द कम्युनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग वेरिएबल एस. तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन की है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ये है ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय ए. फिर यहाँ पे आप देखेंगे एट्थ नंबर का सम है, डैश इज एन इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन कौन सा है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वेशन में ये अल्टरनेटिव दिया गया है ग्रेटर देन का तो ये भी नहीं है. फिर यहाँ पे कोई अननोन नंबर भी नहीं है तो ये भी नहीं है तो ये लास्ट वन जो है 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 19 ये है हमारा इक्वेशन. ओके फिर है नाइन्थ वन, डैश इज़ नॉट एन इक्वेशन, इसमें से इक्वेशन कौन सा नहीं है तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सा नहीं है तो 5x प्लस 3 क्योंकि इसमें इक्वेशन में इक्वल की निशानी आती है, इसमें कहीं पे भी इक्वल की निशानी नहीं है सो ये वाला इक्वेशन नहीं है. फिर है लास्ट वन, सॉरी टेंथ वन, द प्रोडक्ट ऑफ y एंड माइनस 8 इज रिटर्न एज. तो इसका आंसर आएगा माइनस 8y. फिर इसी हिसाब से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 ये जो 6 है वो आपको खुद करनी है, ये 6 तक है वो आपको खुद करनी है. फिर आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पे देखिए, इफ x इज इक्वल टू 4 देन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप रखेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 4 रखना है, इन द ब्रैकेट 4, 2 4 ज 8 एंड 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. तो इसका आंसर आएगा बी. फिर है 3 by 4 by y, तो 3 4 ज 12 एंड 12 by y, तो 12 y, तो इसका आंसर आएगा 12 y. फिर है विद्या हैड x रुपीस इन हर पर्स, शी स्पेंट रुपीस 1000, हाउ मेनी रुपीस आर लेफ्ट इन हर पर्स. तो उसके पास कितने रुपए से हैं, एक्स रुपीस, उसमें से उसने 1000 rupees स्पेंड किए तो एक्स में से 1000 किए हैं सो एक्स माइनस 1000. फिर है फोर्थ वन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल वूज लेंथ इज एन सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज एन माइनस 5 cm इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा बी, एन माइनस एन इन द ब्रैकेट एन माइनस 5. ओके फिर है फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट्स सॉल्यूशन. तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमें 2 रखना है, तो 4 2 ज 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो फिफ्थ का आंसर आएगा ए क्योंकि 4 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 8 में से इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 7. फिर है सिक्स्थ वन, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन इज जेड सेंटीमीटर, इच साइड ऑफ द पेंटागॉन इज डैश सेंटीमीटर. तो सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा, जेड डिवाइडेड बाय 5. हमें उसकी इच साइड का हर एक साइज का उसका कितना मिज्योर है वो हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
डिवाइडेशन। फिर सेवन्थ वन, अंकिताज प्रेजेंटेज इज एक्स ईयर्स, हर एज 15 ईयर लेटर विल बी डेस ईयर्स, 15 वर्ष 15 ईयर के बाद कितनी होगी, तो वो बड़ी होगी, तो हमें क्या करना है, प्लस एक्स प्लस 15। फिर एट्थ वन, इफ 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स वाई, इफ 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स वाई, तो 3y प्लस 5, ओके 3y प्लस 5। द सॉल्यूशन ऑफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 70, सो x इज, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 70, तो 4x, यहाँ पे माइनस 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3, 4x इज इक्वल टू 20। यहाँ पे x और 4 का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, ये सेट जाएगा तो प्लस का रिलेशन, तो क्या आंसर आएगा, 5। नाइन्थ का आंसर आएगा 5। फिर टेंथ वन, द सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7, सो देयरफॉर एक्स इज, तो यहाँ पे हम फिर से करेंगे 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड के रिलेशन में है, सो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 14, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे, थ्री एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 1 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 3x माइनस 1 7 टू जा 40, 3x इज इक्वल टू 14, यहाँ पे माइनस 1 है इक्वल के ये सेट जाएगा तो प्लस 1, तो सो 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे x और 3 का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में, और 3 5 जा 15, तो ये था हमारा टेंथ का आंसर आएगा 5A। फिर इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 और ये 12 करने हैं, जो फिल इन द ब्लैंक से वो 11 और 12 जो है वो आपको अपने हिसाब से खुद से करनी है। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो आपको लिखने हैं, वर्कबुक में कंप्लीट करने हैं, और उसके पिक आपको मुझे शाम तक सेंड करने हैं। जब पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा, जब ये पूरा कॉन्सेप्ट कम फिनिश हो जाएगा, तब मैं आपको एक साथ उसकी आंसर की सेंड करूँगी, ओके। और अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाय, हैव अ गुड डे।